जबरदस्ती दबाव बनाकर, तो उसके बाद क्या तुम नखरा मार रहे साले, तुम्हारी तबीयत खराब है? आप क्या मान चाहते हैं? हम मैं चाह रहा हूँ कि जब तक उन लोगों के खिलाफ 302 का मुकदमा नहीं दर्ज होगा, ना मैं पोस्टमार्टम कराऊंगा, ना लाश यहाँ से, साथ में हमारे दोनों जो बच्चे हैं इनको सरकारी नौकरी मिले, कम से कम 50 लाख रुपए कंपनसेशन कौन पालेगा? मेरा लड़का इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, कहाँ से कौन पढ़ाएगा उनको? ये लड़का बेरोजगार होगा, हमारी भाभी कहाँ जाएंगी, कौन उनका भरण पोषण करेगा? हम कतई किसी भी कीमत पे यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे जो हो जाएगा, प्रशासन मार के ले जाए, लाठ जो भी करना हो लाठीचार्ज करे, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं जाऊंगा। इतनी बड़ी बदनामी हुई है, मेरा भाई मेरे साथ चला गया है, मेरा परिवार बिल्कुल बिखर गया है, मेरा बच्चे तैयारी कर रहा, कौन पढ़ेगा कौन लिखेगा? इतनी बड़ी मुसीबत, साल दो साल तो हम लोग उभर नहीं पाए। अब कल की रात चुकी, अब उनका प्लानिंग थी क्या थी, दीपावली दूसरे दिन रात को 2:30 बजे लोग पूरा पहुंचे हैं, पूरा गेट तोड़ डाला इन्होंने, गेट तोड़ कर अंदर घुस गए और सारे कमरों की तलाशी लेना शुरू कर दिया, बिस्तर फेंकना शुरू कर दिया। पुलिस सोजी जो भी रही हो, हम पुलिस भी थी, सोजी भी थी। मैं मुझे बहू ने फोन कर दिया कि चाचा जी यहाँ पे पुलिस आ गई है, सोजी आ गई है, चाचा जल्दी आ जाए। सूचना प्राप्त हुई है कि साजन शुक्ला सन ऑफ बिंदेश्वरी प्रसाद, ये अंतु थाना क्षेत्र प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, जिनके संबंध में उनके परिजनों द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में इनकी मृत्यु हुई है। मैं इस घटना का खंडन करती हूँ और मैं बताना चाहूँगी कि 26 लाख की एक बैंक की लूट हुई थी पीपलपुर थाना क्षेत्र में, उसी लूट के अनावरण में साजन शुक्ला का नाम प्रकाश में आया था। ये साजन शुक्ला एक इनका साथी है जाकिर अली उर्फ गुड्डू, इसके साथ 2008 में गोमती नगर थाने से टवेरा वाहन की चोरी में चार्जशीट हुआ था और उसके बाद इनके ऊपर गैंग चार्ज भी अनुमोदित हुआ था। इनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए और घटना में संलिप्तता को देखते हुए लोकल पुलिस इनके घर पर गई और इनसे पूछताछ की और इनको थाने बुलवाया गया पूछताछ हेतु। ये और इनके दोनों बेटे थाने पर आए, इसके बाद इन्होंने बताया कि अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो इनके पुत्र इनको CHC भादर लेकर गए। वहाँ पर डॉक्टर ने प्रथम दृष्टया ये देखा कि पॉइजनिंग का केस है, तो उन्होंने रेफर कर दिया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुल्तानपुर के लिए, जहाँ इनकी मृत्यु हो गई। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।